नमस्कार। 1 किलो चावल के बराबर 10 बड़ी पानी की टंकियां, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए जानते हैं। तो मित्रों, भारत चावल उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है और पूरे विश्व में अधिकतम चावल भारत देश से ही निर्यात होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हम चावल निर्यात नहीं कर रहे हैं, चावल की जगह हम लाखों मेट्रिक टन पानी निर्यात कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि 1 किलो चावल की पैदावार के लिए 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है और यह कोई कम पानी नहीं है। इतने पानी में एक मध्यम परिवार का महीने भर का आसानी से गुजारा हो जाता है। एक एक्सपर्ट कमेटी ने धान के ऊपर एक रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी, जो कि एक संस्था है, और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि धान की रोपाई 1 सप्ताह देरी से की जाए तो 3 करोड़ जनता को 3.5 साल तक आसानी से पानी मिल सकता है। आप सोच सकते होंगे कि यह कितनी बड़ी बात है। यह एक्सपर्ट की कमेटी ने यह रिपोर्ट लुधियाना, पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में बताई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे भारत में धान की फसल में कितना पानी लगता होगा। कुछ राज्य की सरकार तो धान की फसल की जगह दूसरी फसल लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर मुआवजा भी प्रदान करा रही है। ऐसा वो इसलिए कर रही है क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्यों में ग्राउंड वाटर लेवल समाप्त हो चुका है और बहुत सारे राज्यों में ग्राउंड वाटर लेवल कम हो चुका है। धन्यवाद। अगर आपको यह रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो यह आप तक ही सीमित न रखें और आगे भी सभी को भेजें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।